कहाँ से आई हैं भारती आप? भारती आप ये घुटने घुटने माँ के दरबार में आई, क्या है ये, किस कारण होता है, क्यों करा आपने ऐसा? सर मैंने मन्नत मांगी थी तो मन्नत पूरी हुई है। अच्छा, कौन सी जगह आई हैं अभी आप? माता की टेकरी पर आई हूँ। देवास? हाँ। नाम है आपका? सोमिया। सोमिया, इस वक्त आप कहाँ पर आई हैं और क्या करने आई हैं? देवास टेकरी पर आए हैं मानवताल में। क्या मान थी? पापा की थी, वो उनकी तबीयत खराब थी तो ठीक हो जाएंगे तो मैं ऐसे घुटने के बल आएंगे टेकरी पे। आप घुटने के बल आई हैं? हाँ। कहाँ से आई हैं आप? सोनकत से। सोनकत से आई हैं आप भी? हाँ। ठीक सोमिया। पंडित जी बताइए, कल से पहला दिन है नवरात्र का, क्या व्यवस्था है और क्या? सबसे पहले शरादी नवरात्र प्रारंभ है और कल सुबह से सूर्य उदय होगा तब से शरादी नवरात्रि प्रारंभ माने जाएंगे और इसी बीच दोनों मंदिरों पे 7 से लेकर 9 के बीच में दोनों मंदिरों पे घट स्थापना की जाएगी। घट में माँ विराजमान होगी और नवरात्रियों में माँ के विशेष श्रृंगार किए गए। इसी बीच यहाँ पर जो ये चांदी का कार्य चल रहा है, जो सिंहासन वगैरह अभी कंप्लीट हुआ है, तो जो हमारे अभी यहाँ के पवार स्टेट की हमारी राजमाता जी जिन्हें हम राजे जी के संबोधित करते हैं, उन्हीं के द्वारा कल पूजा अर्चना की जाएगी और सिंहासन माँ को विराजमान किया जाएगा और दोनों नवमियों अष्टमी और नवमी पर यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है पवार स्टेट की ओर से। और मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा कोरोना को देखते हुए अपनी सावधानी से माँ के दर्शन करें और मैं प्रशासन का भी आभार प्रकट करता हूँ जनहित की दृष्टि से व मंदिर की दृष्टि से कि उन्होंने 24 घंटे ही माँ के दर्शन का लाभ लोगों को दिया, इसलिए उनकी सराहनीय व्यवस्था है। प्रशासन के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है और इसी बीच शरादी नवरात्रि धूमधाम से मनाए जाएं। मैं मुकेश नाथ पुजारी, माता टेकरी से, जय माता की।